वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा, फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके। अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। स्प्रेड द वर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस, एंड यू नो लर्निंग इज प्राइसलेस, सो प्लीज डू एट लीस्ट। And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel. That is here, facebook.com/currentaffairsfunda CAF. ये हमारा Facebook का channel है, और आपकी अगर कोई भी queries और doubt हैं, तो आप इस video के नीचे comment box में भी दे सकते हैं और हमारे Facebook channel को follow कर सकते हैं, ठीक है? And friends, kindly follow Facebook channel. Why? Because we are conducting a lot of quiz, a lot of questions there. And you will get each and every information on our social platform. Okay, तो आप हमारे social media platform पर सारी की सारी information ले सकते हैं, और जो भी नई video upload होती है वो वहां पर भी डाली जाती है, और यहाँ channel को subscribe करने से भी आपको मिलती रहेगी. Okay, so right now today we will discuss the simple interest and compound interest part number 7 here. And friends, almost 9 to 10 parts are there. 9 से 10 part total बनने हैं, जिसमें हम अभी पार्ट नंबर 7 पर हैं, और ये वीडियो होगा, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल दैट मींस आई विल एक्सप्लेन दिस वीडियो इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या ना हो। ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लिविंग इन साउथ रीजन, दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी, वो लोग हिंदी नहीं समझ सकते। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ऑल द एफर्ट्स फॉर देम ऑल्सो। इसलिए हम उन लोगों के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। फाइन, सो टुडे वी विल डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 राइट नाउ। सो क्वेश्चन 1 दैट इज हियर, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7,000 in 5 year and 8,000 in 7 year and 8,000 in 7 year. Then you need to calculate the principal amount here. Find the P, that is principal here. And friends, if nothing is given in this question, like find principal amount on the basis of compound interest or on the basis of simple interest, so by default, if nothing is given here, by default you will use, by default use SI. अगर question में कुछ भी नहीं दिया है कि SI पर दिया है या CI पर दिया है, तो हम by default simple interest ही मानते हैं। Okay, SI दिया होगा तभी SI करना है, नहीं तो आप CI जब दिया होगा तभी आपको करना है, नहीं तो आप SI को बाय डिफॉल्ट मानेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम अमाउंट है जो बिकम्स, मतलब हो जाता है कितना, 7,000 रुपए, मतलब कि इसमें कुछ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तभी तो यह 7,000 हो जाता है, इन 5 ईयर एंड 8,000 इन 7 ईयर। सो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ईयर। दैट मीन्स फ्रेंड्स, इफ एनी प्रिंसिपल अमाउंट दैट बिकम्स 7,000, दैट मीन्स वी कैन से This 7,000 is equals to principal plus some interest. Fine. So we can say like this one, 5 year it becomes 7,000 and in 7 years it becomes 8,000. Okay. And this 7,000 consists of sum, that means principal amount plus simple interest of 5 year, that means interest of 5 year. Fine, because this 7,000 is a combination of sum plus 5 year interest. Okay, so friends, we will take the difference here, 5 and 7, that is 2 here, and what is the difference between 7,000 and 8,000? It will be 1,000 rupees. So we can say 2 year, that is equals to 1,000. So what will be 1 year? 1 year it will be 500.
फाइन, वट राइट नाउ दिस 7000 मेड फ्रॉम सम प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट, सो वट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर इंटरेस्ट इट विल बी 5 × 5 दैट मीन्स 2500, दैट मीन्स फ्रेंड इफ बी डिडक्ट दिस इज 7000 ईयर, ओके इट कंसिस्ट ऑफ सम प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट, सो इफ वी डिडक्ट द इंटरेस्ट हेयर देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सम हेयर, ओके सो वॉट द वैल्यू ऑफ सम इट विल बी 7000 माइनस 5 ईयर इंटरेस्ट दैट इज 2500, इट विल बी 4500, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, सम दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, सो वॉट द प्रिंसिपल इट विल बी 4500, तो यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 4500। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 5 साल में 7000 रुपए दिया है और ये जो 7000 बिकम्स लिखा हुआ मतलब हो जाता है, हो कब जाएगा जब इसमें कुछ ऐड कर दोगे, ऐड क्या कर दिया 5 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये सम पहले कुछ था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये 7000 हो गया। अब इसी तरीके से 7 साल में कितना हो जाता है 8000 हो जाता है, मतलब इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि सम प्लस 7 ईयर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है तो हम 2 साल का दोनों का डिफरेंस कितना है 2 ईयर है, 2 ईयर में 1000 का आ रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 500 रुपए का, अब मैं 5 साल का इंटरेस्ट यहां से निकालूंगा तो 2500 आ गया, ठीक है अब मैंने 5 साल का जब निकाला है तो मैं इसी इक्वेशन में तो पुट करूंगा, अगर मैं 7 साल का निकालता तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करता, ठीक है तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें जाए क्या यह इंप्लाइज होगा 7000 में सम प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट ऐड है और आपको पता है 5 ईयर का इंटरेस्ट 2500 है तो आप टोटल में से 7000 में से घटा दे तो आपको सम मिल जाएगा, यही है ना तो 4500 रुपए सम आ गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं 5 साल का इंटरेस्ट और अब हम 7 साल का इंटरेस्ट देख लें कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा क्योंकि 1 साल का 500 है तो 7 का कितना हो गया 3500 रुपए। अब इस 3500 को अगर आप इस 8000 में से घटाओगे तब भी आपको 4500 ही मिलेगा, ठीक है 8000 माइनस के 3500 रुपए ये कितना आया 4500 रुपए। फ्रेंड्स वन थिंग दैट आई एम टेलिंग टू यू इफ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1 ईयर इक्वल टू 500 रुपीज दैट मीन्स डिफरेंस इज हियर दैट मीन्स व्हाट इट विल बी फॉर द 7 ईयर इट विल बी 7 × 5 दैट मीन्स 3500। नाउ वी विल डिडक्ट दिस 3500 फ्रॉम हियर बिकॉज दैट इज 8000 गिवन हियर 8000 माइनस 3500 इट विल बी 4500। सो फ्रॉम बोथ द टू इक्वेशंस योर आंसर विल बी सेम, आपका दोनों इक्वेशन से आंसर क्या होगा वो सेम ही आने वाला है, ओके एंड नाउ फ्रेंड्स इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सीआई दैट मींस दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एसआई, इफ नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सीआई सो हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 हियर, योर क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस अ सम ऑफ मनी becomes 7000 in 4 year and 10000 in 8 year on CI that is given here precisely given, so you need to calculate the principal amount then P will be what, okay तो question कह रहा है कि कोई एक amount है जो 7000 रुपए हो जाता है 4 साल में और 10000 रुपए हो जाता है 8 साल में तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप इसको एग्जाम में विदाउट पेन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग योर पेन, हाउ आई एम टेलिंग टू यू दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक फंडामेंटल एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर आपके मूल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तभी क्वेश्चन को आप विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस भी खूब की है तब भी आप कर सकते हैं। अज्यूम एनी प्रिंसिपल आफ्टर 4 ईयर इट बिकम्स 7000 एंड 10000 इन 8 ईयर्स दैट मीन्स 4 ईयर पास द वे 4 ईयर अगेन सो मेक अ बॉक्स हियर एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 10000 हियर so that means we can say this is your 8 year okay and this is your 7000 4 year okay and you just need to calculate the principal amount here so friend there is a shortcut here
प्रिंसिपल अमाउंट इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द मिडिल वैल्यू दैट मीन 7000 इंटू 7000 एंड डिवाइडेड बाई लास्ट वन दैट मीन्स 10,000. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक एंड आई थिंक दिस वन मार्क क्वेश्चन विल लीड ओनली शॉर्ट ट्रिक बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग द बेस मेथड देन यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप बेस मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम चाहिए होगा. बेस मेथड नहीं अप्लाई करना है इन क्वेश्चन में. जैसे ही क्वेश्चन दिखे मिडिल वैल्यू 7000 डिवाइडेड बाई 10,000 तो ये कितना आ जाएगा 4900. दैट इज योर आंसर राइट नाउ. फाइन. सो दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट हियर. ओके. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4 साल बाद 7000 हो गया, फिर 8 साल के बाद कितना हो गया 10000 हो गया. तो इसमें आपको पी पूछना है. पी कैसे निकालोगे, जो बीच में अमाउंट 4 साल बाद चेंजेस आया ना, 7000 इंटू 7000 कर दो और इसको डिवाइड कर दो किसमें 10,000 से. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है, ये आपको आ गया होगा. एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं यहां पर, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. आई एम राइटिंग डायरेक्टली क्वेश्चन इन द पिक्चोरियल फॉर्मेट. मैं पिक्चर के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रहा हूं एंड थोरली आई एम रीडिंग द होल क्वेश्चन फॉर यू. अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6024 इन 3 ईयर एंड रुपीज 9036 इन 6 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. सो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सम दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट. सो एज्यूम दिस इज योर पी प्रिंसिपल अमाउंट एंड आफ्टर 3 ईयर इट बिकम्स वॉट दैट इज 6024 एंड आफ्टर 6 ईयर्स दैट मीन्स दैट इज 6 ईयर हियर एंड नाउ इट बिकम्स वॉट 9036. So you need to calculate the value of P here. So square the middle term here 6024 into 6024 and divided by 9036. So whenever you will solve such kind of calculation then you will get 4016. I am not going to solve this calculation right now because whenever you will solve this calculation by yourself then you will be perfect in the calculation. Fine. तो मैं कैलकुलेशन के स्टेप्स को अवॉइड इसलिए करता हूं कि आप ये कैलकुलेशन खुद से करें और फिर आंसर यहां पर चेक करके लिखें. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. मुझे लग रहा है कि सब लोगों के आंसर आ गए होंगे. अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर.